साथियों, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति पंथ संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाइयों और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेद, इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूर्वी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। ये आपका चौकीदार है, ये आपका चौकीदार है जिसने पूरे पूर्वी भारत को नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प बड़े सपनों की बात, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान देने की बात हम ऐसे ही नहीं करते, बल्कि अपने काम के आधार पर करते हैं। आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीजेडी के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव गांव तक पहुंच रहा है, सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचने में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या भेदभाव चाहिए? विकास चाहिए कि भेदभाव चाहिए? ओडिशा का विकास का कमल का फूल खिला के रखोगे